नोटा की साइड नोट करो। और पहली रेड पर प्रदीप दलाल गांव मालवी, मेरा भी वही गांव है और इस खिलाड़ी का भी वही गांव है। बताओ जी क्या करें। मान साहब की नसों में कहीं ना कहीं इस धरती का भी खून है, वो हमारे गांव के भांजे हैं। वो भांजा होने के नाते कमेटी ने उनको 3100 रुपए से सम्मानित किया, 1100 रुपए से पहले भी किया था। और मान साहब का बड़प्पन देखो, मान के हिसाब से उनका मान सम्मान उन्होंने 2000 रुपए बढ़ा करके इनाम में 5100 रुपए और कर दिए जी। धन्यवाद करते हैं, बिल्कुल धन्यवाद करते हैं। जो 1,11,000 की नाम थी 1,16,100 रुपये हो गए जी। और अभी तो रात बाकी है। हाँ, अब मैच सुनो जी। और प्रदीप पानू पुट्ठी से, पुट्ठी जिला हिसार से लाइव के माध्यम से जुड़े अपने अनेक साथियों के साथ पानू साहब का भी धन्यवाद करते हैं। शुभ संदेश हमारी खेल कमेटी को। बोलो जाखर साहब। रेड पे चलेगा प्रदीप दलाल मालवी, मास्टर बहू अकबरपुर की तरफ से पहली रेड पे। चल भाई चलिए भाई। छतर टीम सांपला साइड, झज्जर साइड और सांपला साइड मास्टर बहु अकबरपुर। पहली रेड पे आ गया सुरेजी दलाल के गांव का ओनर खिलाड़ी प्रदीप दलाल। इस सीजन में क्या हमेशा ही गजब का खेलता है। और यह है मानपुरे वाला मनीष, अड़के वजन के दो सुपरस्टार मनीष मानपुरा से नंबर प्रदीप दलाल। तालियों के साथ स्वागत किया है दर्शकों के। खिलाड़ी थे दलाल, मान सिंह वाला और देशवाल में कोई अंतर नहीं, चारों भाई भाई। अब चलेगा बिक्का छात्र वाला विक्रम सिंह मोर और बिक्का छात्र बेल्जियम की धरती का बेस्ट खिलाड़ी जो कि भारत की तरफ से खेल चुका है, टूर लगा चुका। और यह बोलू 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 बोलू, ये है बोलू। अभी अभी पाकिस्तान खेल गया राठी साहब, अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ जो 16 तारीख को विनय खत्री नॉन स्टॉप रहा फाइनल मुकाबले में और ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा था। यह बोलू रेड पे आ गया सचिन बहु अकबरपुर, बाल समुद्र की धरती का मोटरसाइकिल विजेता खिलाड़ी। सामने मानपुरा वाला, मानपुरा वाला कैच का बदला कैच से लिया है, हाथों हाथ लिया है जी। मनीष मानपुरिया मान परिवार का छोरा। अब आएगा यशपाल काली, बहुत तकड़ा खिलाड़ी यशपाल काली छात्र वाला। ये मैच दोस्तों फाइनल मुकाबला हुआ था यानी 1 मार्च 2020 को बाल समन में, वहां छात्र की टीम ने हार का मुंह देखना पड़ा था। आज देखते हैं रिजल्ट क्या होगा, वही होगा या रिजल्ट में चेंजिंग आएगी, ये तो आने वाले 15 से 20 मिनट में आपको गजब कर दिया लगातार दो खेज बल्ले बल्ले। दलाल साहब जी 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 बोलू 500 रुपए। हाँ बोलू राठी मोटर, राठी मोटर की तरफ से 500 रुपए नोट करो जी। हरीश भाई ने भी नोट करो जी, नहीं यू कि मैं करेगा आज। चला प्रदीप दलाल। दर्शक साथियों मैच में मजा आ रहा है कि नहीं? आप मनीष मानपुरा वाला मोहित डीग, मोहित डीग कैच का बदला कैच से लेने की कोशिश, कोशिश डीग वाले मोहित की, कुंडी खड़कती हुई लेकिन लेकिन मोहित डीग ये तो मैच है, इसीलिए तो आप और हम अंदाजा लगा रहे कि फाइनल से पहले फाइनल जैसा मुकाबला फिर चला। विक्रम सिंह मोर एक बनाम चार, चाहे राजेश की बात करते हैं चाहे सिल्लू की बात करते हैं, जितनी कैच लगाएंगे राजेश हमचाना की तरफ से पर कैच 100 रुपए होंगे। और भाई मंजीत धूण की तरफ से गांव उनका चैनित गिराए है। और सिल्लू बलारा अगर बेस्ट कैच रहता हो तो क्या 100 रुपए होंगे, लेकिन फिलहाल पॉइंट मिलेगा बिक्का छात्र को। और फिर चलेगा रेड पे सचिन बलारा और रविंदर मास्टर खेल मैदान पे। धड़कने तेज होंगी रविंदर मास्टर जी की, लेकिन यह मैच है अभी कुछ भी हो सकता है, आग दोनों तरफ लगी है। सचिन बहु अकबरपुर, सामने मोहित डीग और स्टॉपर आउट हुआ नंबर रेडर के खाते में, नंबर रेडर के खाते में। बहुत बढ़िया लाइनमैन का काम करते हुए हमारी कमेटी के साथी। और अब चला है कपिल छात्र वाला, उड़ता सांप जिसको कहा सांप उर्फ नाम दिया गया है पब्लिक के द्वारा, क्योंकि तेज तरार उड़ता है और उड़ते उड़ते निकल जाता है
देखिए आज इतिहास बनने जा रहा दोस्तों, जो पानी से लाएगा लिबास बदलता है और जो पसीने से लाएगा इतिहास बदलता है। आज बापड़ौदा की धरती पर फिर इतिहास बनने जा रहा है और रेड पे आएगा प्रदीप दलाल मालवी, प्रदीप दलाल मालवी। सहज सहज डल जा सूरज जब जाके रात बने, पांच भाई जीत इकट्ठे हो जाए जब जाके पंचायत बने, और लोहे की जो पड़ तपाना जब कबड्डी खेलने का गात बने। बिल्कुल चला रेड पे भी का बिल्कुल ठीक फरमाया। कबड्डी कुश्ती खेलना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, सूचा रहना पड़ता है, दिन रात प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छा खाना पड़ता है, अच्छी सोच करनी पड़ती है। और शिल्लू, शिल्लू के एक और शानदार ट्राई, शिल्लू शिल्लू बलारा जिसका तजर्बा बहुत तगड़ा हो चुका है, मात्र थोड़ी उम्र में कैच होगी, शिल्लू ने छात्र को कैच लगा दी है। दर्शक साथियों मारो तालियां इस खिलाड़ी के लिए, रविंद्र मास्टर ने कोई नूर तैयार कर दिया। राठी मोटर एंड पंप 500 शिल्लू पे, शिल्लू क्या कह रहे जी, सुना दिया। हाँ शिल्लू ने बीका छात्र को कैच लगाई है, इस कैचर पे 500 रुपए, 500 रुपए सुनील टेंट हाउस वराठी पंप सेट मोटर की तरफ से। और अंडरसूट इधर मोहित डीग ने भी कैच का बदला कैच से ले लिया है, सचिन बलारा को कैच लगा दी। और शिल्लू अगर दो कैच और लगाएगा तो 500 रुपए देगी हमारी एलडीएम कंपनी, जो कि मुखिया चे यशपाल दलाल की बात है, चे बेनीवाल साहब जी 2100 रुपए जो टीम जीतेगी। धन्यवाद सर एक्स्ट्रा। और राठी मोटर एंड पंप बोलो निजामपुर माजरा को राजीव कलावड़ ने 100 रुपए से मान सम्मान दिया, जो दो शानदार कैच लगाई थी। प्रदीप दलाल के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सामने बहुत बड़ी टीम जिसका नाम छात्र है, और यहाँ कैच होगी पोना छात्र ने प्रदीप दलाल को। जो इस मैच में जीतेगा राठी मोटर्स की तरफ से 2100 रुपए स्पेशल इनाम है, नोट करो जी। भूप बलारा पर कैच 500 देंगे, जो कि बहु अकबरपुर मास्टर की टीम का सदस्य कैच लगाएगा। और यह है बोलू, बोलू अभी तक 2100 रुपए, यह है बल्ले बल्ले बोलू ने टैग लगा दी है राठी पंप्स और मोटर की तरफ से। बोलू की एंट्री पूरी हो चुकी है दोस्तों, उधर कैच लगती है तो उधर भी कैच लगती है। बोलू के 500 रुपए राठी मोटर एंड पंप। धन्यवाद सर। बिट्टू भाई आप माइक लो, लगातार पैसे बोलो वहां से स्पेशल बैठ करके। चला चला सचिन 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 मोहित डीग, मोहित डीग उधर कैच लगती है तो बदला हाथों हाथ लेती है छात्र टीम, क्योंकि ये मैच पूरा 100% कैचों पर चला गया है। ये दोनों तरफ मेरे हिसाब से 4-4 कैच हो गई है, यानी कैचों पर मैच आ गया है। 15.5-16 का मैच होगा। और शिल्लू के को ट्राई, शिल्लू 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 है, ये शिल्लू है मेरे वीर। और उड़ना साहब जिसको कपिल नाम है, या और कैच होए, हाँ दूर हटो, हट हट दूर हटो, दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो, रोला नहीं, ओए बाली रोला नहीं, रोला नहीं, ओए पागल हो के, कोई बात नहीं, खाने में कोई बात नहीं, परे न टो परे न टो, प्लेयर को खेल पकड़ो, खेल पकड़ो साइड पकड़ो, साइड पकड़ो बाहर करने को, फालतू को साइड पकड़ो, साइड पकड़ो, कोई अंदर नहीं होगा भाई, कोई भी अंदर नहीं होगा, बाहर करो इनको, बाहर करो इनको, ले जाए तरफ इनको, कैसे मत होगी इनकी भाई, दोनों टीमें अच्छी हैं, डिसिप्लिन में रहे, प्यार से प्यार से, कोई दिखा नहीं तुम्हारा, इस टीम को बाहर कर दो, बाहर करो इस टीम को, प्यार से प्यार से प्यार, कोई जरूरत नहीं इस खेल की, इन खिलाड़ियों को बाहर कर दो जी कोच साहब, इनके बीच में मैच नहीं होगा, ऐसे खिलाड़ी नहीं चाहिए हमारे गांव की धरती पे, बिल्कुल बाहर करो इसको, कोच साहब ये मैच नहीं होगा, इसको बाहर कर दो, दोनों खिलाड़ियों को बाहर करो, इनको ये कमेटी के साथी बाहर कर दो, भाई भाई कबड्डी के लिए बुरी बात है ये, कुछ भी बात नहीं थी जो कि इतनी बड़ी बात बन गई, क्या बात थी, रोज खेले हैं, रोज ऊपर अथली हुए हैं,
कुछ भी बात ना ऑफिशियल काम कर दिया था की टीम को बाहर कर तो नहीं खेल लिया जाएगा भाई। सारे भाई बाहर आ जाओ भाई और शांति से मैच खेलो। आप खेलना है इन टीमों को दोनों को बाहर कर दो, कोई मैच नहीं के बीच। अगला मैच बोलो जी। कमेटी का साथी जिसके पास रिकॉर्ड है अगला मैच बोले। इन दोनों टीमों को बाहर कर दो, अगर ये हमारे गांव के ऐसे माहौल को खराब कर रहे हैं तैसे भाई। चला प्रदीप दलाल, बहुत शानदार मैच है और नंबर रेडर के खाते में। धन्यवाद उदा साहब, आपने बिल्कुल कंट्रोल करके मामला सुलझा दिया। यार कुछ भी मामला ना है, कबड्डी के मैदान में चाटा के ब्याह में भाई छोटी मोटी हो जा रहा, कुछ भी बात नहीं है यार। लेकिन बिक्का छात्र रेड पर है, छात्र की टीम पिछले दो साल की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम है भाई हरियाणा की। लेकिन मास्टर बो अकबरपुर ने भी शानदार टीम को बना दिया है। मैच किसका होगा ये तो भाई इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आप किसी के समर्थक हो सकते हैं, आप किसी के समर्थक हो सकते, कोई किसी को अच्छा लगता है, कोई किसी को अच्छा लगता है, ये बात अलग है। लेकिन छात्र की टीम मान लो 60 टूर्नामेंट खेली तो 55 जीती है, उस टीम का नाम छात्र है। 2018-19 और 2020 में ये एवरेज है इस टीम की। सर अगली टीम बोल दो एक बार प्लीज। अगली टीम है जी नगूरा पनियारी। दोनों ग्राउंड पे जी, चिंता है ना करो। पहला क्वार्टर होगा नगूरा पनियारी, करेला मीठा थल, अलेवा कुराना और इस मैच का विजेता का मैच होगा चौथा क्वार्टर देवपन के साथ। नोट करो जी भाई, खिलाड़ी का पैर मुस गया, थोड़ा सा स्प्रे वप्रे लगा दो, कोई बात को नहीं। जड़ा 11 बजे फाइनल होना था, 12 हो जाएगा, 12 होना था 12:30, लेकिन सबको न्याय मिलना चाहिए और मेडिकल टाइम आउट की व्यवस्था होनी चाहिए। और भाई लाइव पर बहुत आगे रहते हैं, और भाई हमारे इतने बड़े बड़े मेहमान दानवीर करण बैठे हैं जो मंच का आगे खड़े ना। छोटे भाइयों एक सुझाव है मेरा, अगर आपको खड़ा ही होना तो वहां जाके भी हो सकते, नहीं तो बैठ जाओ मंच के आगे, या तो बैठ जाओ। अगर खड़ा होने में आपको मजा आता तो आप कहीं भी जाके खड़े हो सकते हो, उधर भी हो सकते हो, उधर भी हो सकते हो। प्लीज मेरे भाइयों बात को सुनो और नीचे बैठ के मैच देखो। हेलो, ये जो मंच के सामने खड़े हैं आप मंच पर आके बैठ सकते हैं, आपको मंच का शौक है आप मंच पर आ जाओ, लेकिन हमारे मेहमानों के आगे आप खड़े ना हो भाई, स्कूट ना और खाली कर दो। इधर वाले साथी भी आप या तो बैठ जाओ या एक साइड हो जाओ, हो जाओ भाई साइड, हाथ जोड़ के विनती है, हो जाओ जी। कमेटी से निवेदन, इनको भी बिठा दो जी, बिठा दो इनको, लाखों रुपए की धनराशि यार इनाम स्वरूप दी है, और वो भी दूसरे के बेटा बेटियों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बैठ जाओ जी, कमेटी से निवेदन है आगे लोग खड़े बैठ जाए। भाई साहब बेराम हाजू स्पेशल प्रार्थना, बैठ जाओ मेरे भाई। ना तो पीछे स्टेज भी खाली है, वहां बैठ जाओ आप, मोस्ट वेलकम। 10 पीछे मेहमान है आपके, उनको देखने तो प्लीज। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा दे दो मौका, पीछे बैठ जाओ। तक का स्कोर सुन लो भाई, दोनों साइड से 5-5 कैच हैं, यानी कि केवल आधे नंबर से बहु अकबरपुर टीम आगे है इस मैच में। जाखर साहब 9.5 और 9 है, हाँ बराबर मैच है, आधे बराबर मैच है, लेकिन 8.5 और 8 नहीं है, 9 और 9.5 है। अगर कहीं गलती है तो स्कोर भाई ठीक कर ले, क्योंकि थोड़ा हो जाकर ओ भाई स्कोर मेरी तरफ आख्या माख मिला ले, 9.5 और 9.75 ई मैच फिर शुरू, मैच शुरू कराओ जी। प्लास्टर लेन जा रहा है उस खिलाड़ी का, थोड़ा मेडिकली कोई बात नहीं, लेन जा रहा है, आ जाएगा 2 मिनट में। अगली टीम तैयार हो भाई, नगूरा पनियारी करेला मीठा थल। और भाई जल्दी आए जो खिलाड़ी के लिए लेने गया है, कोई भी मेडिसिन है प्लास्टर वगैरह है, जल्दी आ जाओ भाई। बिल्कुल बधाई की पात्र है हमारे गांव बापड़ोदा जिला झज्जर की टीम कमेटी, जिन्होंने इतने शानदार मुकाबले कराए,
बिल्कुल हर मैच फसमा मुकाबला, हार जीत चाहे किसी की भी हुई है, लेकिन एक अच्छा खेल देखने को मिला। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक भी देखने को मिली, लेकिन हो जाती है जी, कई बार खिलाड़ी अग्रेसित हो जाते हैं। मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, दिमाग का ये खेल है, शरीर से खेला जाता है। बिल्कुल, अरे भाई जाने अनजाने में कोई भी मिस्टेक हुई तो हमारी खुद की टीम है, हमारी मेहमान टीम है, हरियाणा की बहुत ही टॉप की टीम है। आपका बहुत बढ़िया फैसला, चाहे मास्टर रविंद्र की बात हो, चाहे मनोज छात्र की बात हो, और बहुत बढ़िया सहयोग करा कमेटी ने और दर्शकों ने। भाई दर्शक साथियों, आपकी जितनी बुराई करी जाओ उतनी कम। आप इतनी देर तक इस खेल मेले में चार चांद लगा रहे हो, बड़ी शांति बनाए हुए हो सुबह से, आपका एक बार पूरी कमेटी और पूरा गांव दिल से धन्यवाद करती है भाई। और धन्यवाद उड़ा साहब। और भाई एक बार सभी दर्शक भाई नोट कर ले, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, लेकिन खिलाड़ी पे पैसे देने कोई भी भाई खेल मैदान पर ना आए, क्योंकि आप सच्ची भावना से आते हो और कोई और भाई इसका फायदा ठान खेल मेले ने खराब करना आ जा। आपने जो पैसा मान सम्मान देना है वो स्टेज पे जाके बुलवा दो। आप यहाँ करके दे सकते हैं। हाँ, वहाँ स्पेशल बिट्टू भाई के हाथ में माइक है, नाम भी लिया जाएगा आपका। बिल्कुल। और भाई दो टीमें ऐसी, हमने पहले कहा था फाइनल से पहले फाइनल जैसा मुकाबला होगा। जिला जींद की अगर बात की जाए, पाला डुमरखा, सोगढ़ इक्कास, बेद सिंह डंगाना, स्वर्गीय बाबिर मलिक रामकले, उसके साथ साथ तेग सिंह मलिक सिंधवी खेड़ा, ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिला जींद ने दिए। चाहे भाई माली की बात करें, चाहे जमोला की बात करें, चाहे बात करें ड्योला की, और चाहे छात्र की, चाहे नगुरा की बात करें, चाहे अलेवा की बात करें, और चाहे बात करें भाई इक्कास और बराड़ खेड़ा की, और से बात करें खटकड़गी जो कि देश के लिए बहुत ज्यादा खिलाड़ी दिए, उस जिले की टीम है यानी दलाल साहब। हाँ जी, दानवीरों की सूची को सुशोभित किया है हमारे बीच में छारा गांव से श्रीमान राजीव दलाल जी, जिनका अपना स्कूल भी है, शिक्षण संस्थान चलाते हैं ये। इन्होंने अपनी नेक कमाई से कबड्डी की भलाई के लिए हमारी खेल कमेटी गाँव भापड़ोता को 5100 रुपए की धनराशि दी है। जोरदार तालियां बजाए मास्टर जी के लिए। मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिट्टू भाई। रेड पे सचिन आ गया, सचिन मरारा, रविंद्र मास्टर का एक ओनर शिष्य है। धन्यवाद करते हैं मास्टर जी, आप अपनी टीम को इतना अनुशासन में रखते हैं। और या मोहित डीग, लेकिन नंबर मिलेगा बहु अकबरपुर टीम को। और फिर वही खिलाड़ी जो रफ्तार का बादशाह माना जाता, कपिल छात्र वाला। बिल्कुल तकड़ा मैच होगा दोस्तों, दोनों तरफ पांच पांच कैच, लेकिन आधे पॉइंट का फायदा मास्टर बहु अकबरपुर को पहले ही है। और सामने सामने शिलो शिलो एक और अच्छी ट्राई, लेकिन पॉइंट छात्र को, पॉइंट छात्र को, नो डाउट, कोई शक नहीं। चला रेड पे प्रदीप दलाल, सुरेश जी दलाल के गांव का बहुत ही ओनर खिलाड़ी है, हरियाणा प्रदेश का। दर्शक साथियों, रफ्तार का बेताज बादशाह माना जाता है, बहुत ही ठंडा खिलाड़ी, लेकिन पोन्ना पोन्ना छात्र, पोन्ना छात्र शानदार कोशिश करता हुआ, एक कबड्डी कबड्डी, बल्ले 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 बल्ले, नंबर छात्र टीम के खाते में। बिल्कुल, प्रदीप को ऊपर उठा लिया, जबकि ऊपर उठाने के बाद रेडर की चलती नहीं है, उसमें कैचर का बहुत बड़ा योगदान है, और वहां भी कैच चल गया। अब आ गया विक्रम सिंह, आगे से विक्रम सिंह बाओ, बड़ा खिलाड़ी है, छात्र की तरफ टीम की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन मैच मैच होता है, अभी तो बहुत कुछ होना है मैच में। 15.5-16 बहु अकबरपुर का काम 15.5 में चल सकता, छात्र को 16 बनाने पड़ेंगे। चला रेड पे सचिन, सचिन बलारा, सामने मनीष मानपुरा और मोहित डीग वाला तैयारी में है, मनोज छत्तर वाला भी तैयारी में है, और पोन्ना ने अपना काम कर दिया है, प्रदीप दलाल को कैच लगा दी। देखते हैं मानपुरे वाला और मनीष मानपुरे वाला, सचिन सचिन मानपुरिया मनीष, ए सेंटर लाइन पे कोशिश करता हुआ सचिन, और नंबर रेडर के खाते में, पॉइंट रेडर के खाते में दिया गया है। और भाई रेफरी का फैसला आखिरी फैसला होगा,
इस तरह से मुकाबला नहीं खत्म हो सकता। रेफरी का फैसला आखिरी फैसला है। हाँ जी सुनील जी, सोमबी राठी जी, हाँ जी राठी साहब, और जी पानी भिजवाए खिलाड़ियों के लिए प्लीज। भाई मैच को चलाओ, मैच को चलाओ, नहीं आओड़े कित बुलाना है तो फिर यू ओड़े है काड़े है तू तुझे दे जा तू। अजीत गोड सुनो सुनो सुनो, सफेदी वाला बना सब्जी मंडी बना दो एक आदि पर। गोड साहब सारे यू आपने चेक करे हैं, आप ही चेक करोगे, आप त्रिदेव है, आपने फैसला करना है किसका पॉइंट है। मैच को चलाओ, मैच को ना रोको, कहीं पे मैच रुक लिया टूर्नामेंट की सीटी सी होवा तो हम समझते नहीं कबड्डी की बादशाह को। रूट चेक किया जा रहा, मैच चलाओ यार भाई, पानी एक मैच होगा के खिलाड़ियों के लिए पानी भेजे प्लीज। खड़े हो भाई, मैच पूरा करो। चला कपिल छात्र, अजीत गोड अपने देख के आ जाएगा, उसका पॉइंट लगा दियो भाई, स्कोर भाई नहीं एक का तो लिया है। कपिल छातर सिलू या बोलू या परमजीत, देखते हैं कौन करेगा ट्राई, या कपिल छातर को मिलेगा नंबर। बोलू बोलू निजाम पर कपिल छातर, मुकाबला ए रफ्तार का था लेकिन नंबर बिल्कुल मुकाबला सख्त है और एक कैच से छात्र की टीम मेरे हिसाब से डेढ़ पॉइंट से आगे चल रही है जहां तक मेरी सोच है, लेकिन आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि रूबी अभी बाकी है, वो किसके पक्ष में जाएगा थोड़ी सी। हाँ देखिए अजीत गोड फैसला लेके आएगा, अभी बता दिया जाएगा जो सचिन का पॉइंट था कैच थी फिर या रेड पॉइंट था, रेडर का रेड पॉइंट। हाँ ये रेडर का पॉइंट था और मास्टर सुरेंद्र हुड्डा कलोई जी ने रिव्यू से पहले ही अपना फैसला दे दिया था। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ऑफिशियल का फैसला था लेकिन उसके बाद भी रू चेक किया गया है और सिलू बिक्का छात्र सिलू, लेकिन ये विक्रम सिंह मोर है जिसको कैच करना नामुमकिन तो पता में नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ये कह सकते हैं, बहुत मजबूत का जगह ठीका, बहुत ही छोटे हुए शरीर का धनी मनोज का सगा परा, और यह है एक उभरता हुआ ओनर खिलाड़ी सचिन, बहुत ही ठंडा और प्यारा खिलाड़ी कबड्डी का, सामने बहुत ही शानदार खिलाड़ी मानपुरे वाला मनीष और मोहित डीग, डबल टच एंड पॉइंट गोज टू रेडर, पॉइंट गोज टू मास्टर बहु अकबर। बिल्कुल एक जमाना था दलीम मस्ताना छिल्लर खेलता था, रामचंद्र जी कबलाना खेलते थे, दिलबाग गिराए खेलता था, लेकिन आज चाहे भाई हम कपिल की बात करें, चाहे यशपाल काले की बात करें, चाहे प्रदीप सचिन की बात करें, ये रेडरों के लाइन चो टीनू बडेसरा की बात करें, बहुत तकड़ा मैच आपके बीच में, बहुत ही तकड़ा मैच, एक एक पॉइंट की लड़ाई, शिल्लू 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 और यहाँ कैच हो गई, फिर बल्ले बल्ले खेल मैदान पर और मैच बराबरी पे आ गया है। दर्शक साथियों मजा आया के नहीं, चला प्रदीप दलाल मोहित डीग, प्रदीप दलाल अब होगी रफ्तार, रफ्तार डोज रफ्तार, मुकाबला डीग वाला मोहित और प्रदीप दलाल, प्रदीप मोहित डीग, बल्ले 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 बल्ले, कबड्डी कबड्डी और डीग वाले कमाल कर दिया, बहुत ही शानदार कैच मोहित डी की, बहुत तकड़ी कैच, बहुत ही तकड़ी कैच। खड़े हो भाई, खड़े हो ले भाई, निर्णायक रेड हो सकती है जैसा कि स्कोरर भाई ने बताया 15 और 14.5 का स्कोर चल रहा है, यही बात कर रहे हो ना आप, यानी कैच लगी तो मैच बहु अकबरपुर जीत जाएगी, अगर रेड पॉइंट आ गया तो फिर छात्र जीत जाएगी, यही कह रहे हो ना आप, 14.5-15 ना। हाँ ये रेड जो है ये निर्णायक है, जिसका पॉइंट उसका मैच, जिसका नंबर उसका मैच। खड़े हो भाई, खड़े हो, हाँ चला भी का छात्र वाला। दर्शक साथियों जब तक नंबर नहीं आए इतना कल की अंदर मारो कल की
ए सिल्लू, ए सिल्लू, बिका बिका। और मैच खत्म हुआ, मैच खत्म हुआ। छात्र की टीम ने बाल संबंध का बदला ले लिया और